हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरे साथ हुआ उसे आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित सिंह है और आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्त पूंजन के साथ घटी सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं और पूंजन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैं और पूंजन शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे मैं और पूंजन अलग अलग गांव में रहते थे, लेकिन पूंजन रोज़ मुझसे अपने गांव की बातें बताता था। वो अपने गाँव की प्रशंसा करते थकता नहीं था। उसने बताया कि उसके गांव में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो उसे बहुत प्यार करता है और वो मेरी भी किसी अच्छी लड़की से अपने गांव में सेटिंग करवा देगा। अब मुझे भी उसके गांव जाने का मन कर रहा था, लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल ही थी जो मैंने उसके गांव जाने का फैसला कर लिया। काम से छुट्टी लेकर हम लोग गाँव को निकले। हमने ट्रेन से जाने का फैसला किया और चल पड़े। रास्ते में पूंजन अपनी गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा था। मैं भी उसके बातें ध्यान से सुन रहा था। बातों बातों में भूतों का टॉपिक छिड़ गया। पूंजन ने बताया कि उसके गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उस पर डायने रहती हैं। रात तो दूर, दिन में भी कोई उस रास्ते से जाना नहीं चाहता। अब मुझे उसकी बातों में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं उससे बोला, यार रास्ता लंबा है, क्यों ना हम कोई खेल खेलें। पूंजन बोला, हाँ यार, लेकिन कैसा खेल। मैंने उससे कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ भूतों की कहानियाँ सुनाऊँगा और तुम मुझे सुनाना। पूंजन बोला, ठीक है, तो पहली कहानी मैं सुनाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर पूंजन ने मुझे पहली कहानी सुनाई जो कि इस प्रकार थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभांश है। मेरे दोस्त की मौत हो गई है जिसका नाम राजीव था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर राजीव भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मैंने उसे कई बार समझाया कि देख राजीव, भूत प्रेत होते हैं, पर वो मुझसे कहता, अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। भूतों की छोड़ो, भगवान के अस्तित्व पर भी वो सवाल करता था। मेरा दोस्त मन का बहुत अच्छा था, लेकिन पक्का नास्तिक भी था। एक दिन वो किसी काम से घर से बाहर गया था, जैसा कि मुझे उसके माँ पापा ने बताया था। तो रास्ते में उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई अघोरी तांत्रिक जो भी था, वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा था। मेरा दोस्त उसके पास गया और बोला कि ये क्या हो रहा है। तो उसने बताया, बच्चा मैं जो भी कर रहा हूँ उसे शैतान सिद्धि कहते हैं, और ये जो बकरा है इसका मैं बलि दूंगा, क्योंकि शैतान से कोई काम करवाने के लिए पहले बलि देनी होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा दोस्त मन का बहुत अच्छा था, उसे उस बकरे को कुछ भी करके बचाना था। तो वो वहीं पास में एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। वो इस इंतज़ार में था कि कैसे भी करके वो इस बकरे को बेवजह की मौत से बचा ले। तभी वो तांत्रिक वहाँ से जाने लगा और राजीव से बोला, बच्चा मैं कुछ ज़रूरी सामान ला रहा हूँ, तब तक यहीं रुकना, मैं 5-10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। राजीव ने उसे हाँ कह दिया और उसके जाते ही वो उस बकरे को लेकर वहाँ से थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया और फिर वो घर आ गया। उस शैतान की बलि छीन कर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। दरअसल वो तांत्रिक
जिस शैतान की सिद्धि कर रहा था वो ब्रह्म राक्षस था। और दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसके लिए फिर सब कुछ संभव हो जाता है, लेकिन जिस पर वो नाराज हो जाता है उसका जिंदा बच पाना ना के बराबर हो जाता है। तो ठीक, राजू अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके पापा अभी ऑफिस में थे। राजू अपने पापा को फ़ोन करता है, मगर नेटवर्क नहीं होने की वजह से फ़ोन नहीं लगता है। राजू छत पर जाकर अपने पापा को फ़ोन करता है और सर दर्द की दवा आते वक्त ले आने को बोलता है। दरअसल उस जगह से घर आने के बाद राजू को अजीब सी बेचैनी और सर दर्द हो रहा था। सब कुछ शांत होने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है उसके और उसके परिवार के साथ। ये सब ख्याल राजू के मन में चल ही रहे थे कि तभी उसे एक पीपल के पेड़ पर कुछ अजीब सा दिखा। मतलब उसे सांप तो नहीं दिख रहा था, पर जो भी था वो उसे ही देख रहा था। राजू को लगा शायद वो कोई बंदर होगा और वो छत से नीचे घर के अंदर चला आया। दरअसल उस पीपल के पेड़ पर वो ब्रह्म राक्षस ही था जो अब हर वक्त राजू और उसके परिवार पर ही नजर रखे हुए था। राजू के पापा दवा लेकर अब घर आ रहे थे। अपनी बाइक से जिस रास्ते से वो आ रहे थे उसके दोनों तरफ घने वृक्ष लगे हुए थे। तभी एक बड़ा सा पेड़ जोर की आवाज के साथ ठीक उनके गाड़ी के आगे गिरा। तभी राजीव के पापा ने जोर की ब्रेक मारी और वो थोड़ी दूर तक घिसटते चले गए। इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, राजीव के पापा की मौत के पीछे उस ब्रह्म राक्षस का ही हाथ था। उसने ही एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर रोड में उनके ऊपर गिराया था, पर वो उस पेड़ से तो बच गए, मगर गाड़ी के फिसलने की वजह से उनकी मौत हो गई। थोड़ी देर में जब दूसरी कोई गाड़ी उस रास्ते से गुजरी तो ये देखकर उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। और राजीव का नंबर उसके पापा के फ़ोन से मिलने पर पुलिस ने राजीव को घटना की जानकारी दी। राजीव ये सुनकर गहरे सदमे में चला गया। वो उसकी माँ बहन और उसका सबसे छोटा भाई जो करीब 5 साल का था वहाँ पहुँचे, जहाँ राजीव के पापा की मौत हुई थी। पुलिस ने उन्हें घटना की जानकारी दी कि रास्ते में अचानक पेड़ गिरने की वजह से उसके पिता का गाड़ी पर से संतुलन खो गया और रास्ते में दूर तक घिसटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। राजीव ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इस घटना को अभी 2 दिन ही हुए थे कि तभी राजीव का छोटा भाई अचानक कहीं गायब हो गया। राजीव के काफ़ी ढूंढने के बाद उसका भाई उसी पीपल के पेड़ के पास दिखा जहां वो बकरा और वो तांत्रिक उसे मिले थे। राजीव ने अपने भाई से काफ़ी पूछा कि यहां कैसे आया, मगर वो कुछ भी नहीं बोला, बस अजीब तरह से हंस रहा था। तो राजीव उसे लेकर घर आ गया, लेकिन घर पर भी राजीव का छोटा भाई अजीब सी हरकतें कर रहा था। यहां तक कि उस 5 साल के बच्चे ने अपनी माँ को जलाने की कोशिश की। उसकी माँ कमरे में सो रही थी। उस बच्चे ने उसके बेड पर आग लगा दी। इस घटना के बाद सभी लोग बुरी तरह से डर गए। वो तो राजीव ने कमरे में धुआं देखा तो उसने माँ को जगाकर बेड से दूर किया और उस आग को बुझाया। राजीव का छोटा भाई पूरे घर में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार दूंगा।
उसकी आवाज बहुत भारी हो गई थी। राजीव की माँ को शक हुआ कि जरूर कोई भूत प्रेत का साया उसके बच्चे के शरीर में घुस गया है। वो एक भूत भगाने वाले ओझा तांत्रिक को जानती थी। उसे पता था कि राजीव इन सब चीजों में नहीं मानता है, तो उसने अकेले जाने का फैसला किया। इधर राजीव और उसकी बहन अपने छोटे भाई और माँ को घर में ढूंढ ही रहे थे कि तभी धड़ाम से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। राजीव दौड़कर घर के बाहर गया। बाहर उसके भाई की लाश पड़ी थी। उसके भाई ने छत से कूदकर जान दे दी थी। राजीव की माँ अभी तांत्रिक के पास पहुंची भी नहीं थी कि तभी रास्ते में ही ब्रह्म राक्षस ने बड़ी बेरहमी के साथ राजीव की माँ की हत्या कर दी। उसने राजीव की माँ का सर उखाड़कर धड़ और सर अलग अलग फेंक दिया। इधर घटना की खबर मिलते ही पुलिस राजीव के घर पहुंची। सारी घटना समझने के बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बच्चे की छत से गिर जाने की रिपोर्ट लगा दी। और इधर जब कुछ लोगों ने राजीव की माँ की बीच रास्ते पर ऐसी दर्दनाक हालत देखी, तो उन लोगों ने फौरन पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस भी इस घटना से हैरान थी और उसने राजीव से उसके किसी दुश्मन के होने की बात पूछी। राजीव ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारी किसी से कभी लड़ाई भी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस ने जब तक मौत का पता नहीं चल जाता राजीव को शहर से बाहर न जाने को कहा। अब राजीव के परिवार में सिर्फ वो और उसकी बहन ही बची थी। राजीव घर में कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर गया। रास्ते में वही पीपल का पेड़ मिला और वो तांत्रिक भी इस वक्त वही पेड़ के पास कोई पूजा कर रहा था। राजीव को देखते ही उसने पहचान लिया और वो राजीव के पास आ गया और बोला, बच्चा, उस दिन मेरा बकरा जिसकी मैं बलि देने जा रहा था तू ले गया था क्या? राजीव बोला, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप एक बेजुबान जानवर की हत्या करने जा रहे थे, इसीलिए मैंने उसे थोड़ी दूर पर ले जाकर छोड़ दिया था। राजीव की बात सुनकर वो तांत्रिक बोला, बच्चा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने जिस बकरे को बचाया था वो ब्रह्म राक्षस के लिए दी जाने वाली मेरी बलि थी। अब वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगा, वो सबको एक एक करके मार देगा। भूतों और भगवान तक पर विश्वास न करने वाले राजीव को भी आज कहीं ना कहीं उस तांत्रिक पर विश्वास हो गया था। उसने अपने परिवार के साथ घटी सभी घटनाएं उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारे सिवा और कौन बचा है? राजीव बोला, अब बस मैं और मेरी बहन ही जीवित बचे हैं। तांत्रिक बोला, बच्चा, अब उस तांत्रिक का अगला वार तुम्हारे बहन पर होगा। इससे पहले कि वो उसे भी मार दे, मुझे अपने घर जल्दी ले चलो। तांत्रिक कुछ सामान के साथ राजीव के घर पहुंचा और वहां की हालत देखकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। राजीव की बहन का आधा धड़ एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ बीच आंगन में पड़ा था। तांत्रिक फौरन एक ताबीज देकर वहां से चला गया। उसने कहा कि अगर मैं यहां रुका तो मैं भी पुलिस केस में फंसूंगा। राजीव ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस को राजीव पर ही शक हुआ। राजीव पर केस चला, पर कोई ठोस सबूत न मिल पाने की वजह से राजीव को पुलिस ने छोड़ दिया।
अभी एक महीने पहले ही राजू मेरे घर आया था। उसने उसके साथ घटी सारी घटना मुझे बताई थी और अभी हफ्ते भर पहले ही राजू की लाश उसके घर पर मिली। उसकी लाश पंखे पर लटकी हुई मिली। पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मेरी कहानी सुनकर पूंजन बोला, भाई मोहित, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत डरावनी थी। हम दोनों कहानियां सुनाते और बातें करते हुए स्टेशन तक पहुंच गए। मैं पूंजन से बोला, भाई तेरा गांव स्टेशन से कितनी दूर है? तो उसने बताया, भाई यहां से कोई 4 किलोमीटर दूर होगा। हम दोनों पैदल ही गांव को निकले। उस वक्त 11:30 बज रहे थे। मैंने पूंजन से कहा, तो तुम्हारे गांव का कोई भी उस रास्ते से कभी नहीं जाता? तो वो बोला, कौन सा रास्ता? मैंने कहा, जो तुमने रास्ते में बताया था ट्रेन पर, जिस रास्ते पर पीपल का पेड़ पड़ता है और उसमें डायने रहती हैं। पूंजन बोला, हाँ वैसे तो कोई नहीं जाता है, लेकिन कोई मजबूरी होती है तो जाना भी पड़ता है। अभी हम उसी रास्ते से तो गांव जा रहे हैं। पूंजन की ये बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा, भाई हम उस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है? तो पूंजन बोला, है तो, मगर वो काफी लंबा रास्ता है, करीब 10 किलोमीटर लंबा। ये रास्ता शॉर्टकट है स्टेशन से। अगर दूसरे रास्ते से चलेंगे तो सुबह हो जाएगी और मैं बहुत थक भी गया हूँ। मैंने पूंजन से कहा, ठीक है, पर ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इस रास्ते से जाने में? नहीं यार, मैं हूँ ना, और मैं 2-3 बार जा चुका हूँ इस रास्ते से, पूंजन बोला। फिर मैं और पूंजन उसी जंगल वाले रास्ते से, जिसमें बीच पर एक पीपल का पेड़ मिलता है, उसी से गांव को चल पड़े। आधा रास्ता पार करने पर करीब 12 बज चुके थे और दूर रास्ते पर मुझे पीपल का पेड़ दिख रहा था। हम धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहे थे और फिर पूंजन बोला, यार मुझे पेशाब लगी है, तुझे करना हो तो तू भी कर ले। मैंने उससे कहा, नहीं यार मुझे नहीं लगी, और तू भी आगे कर लेना, यहाँ मत रुक यार, मुझे डर लग रहा है। लेकिन पूंजन मुझसे बोला, क्या यार, तू भी बच्चों वाली बात करता रहता है, बस 1 मिनट रुक जा भाई, हल्का होके आता हूँ। पूंजन के वापस आते ही हम दोनों चल पड़े और पीपल के पास से निकले। पीपल के पीछे निकलते ही मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी किसी लड़की ने पूंजन को जोर से बुलाया। उस लड़की की आवाज़ ठीक पीपल के पास से आ रही थी। पूंजन मुझसे बोला, भाई तूने किसी लड़की की आवाज़ सुनी? मैंने आवाज़ सुनी थी, मगर डर के मारे मैं बोला, नहीं तो यार, चल तो, नहीं तो यहीं सुबह हो जाएगी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है भाई। हाँ चलो, पूंजन बोला। तभी लड़की की आवाज़ एक बार फिर से आई, पूंजन। फिर बार बार हमें वो आवाज़ आ रही थी। पूंजन पीछे मुड़ा और पीपल की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके साथ धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। पेड़ के पास पहुँचते ही हमें 2-3 लड़कियाँ दिखी और वो बोली, कहाँ जा रहे हो? पूंजन बोला, कौन हो तुम? हम डायने हैं, वो लड़कियाँ बोली। मैं और पूंजन बुरी तरह से डर गए। पूंजन और मैं
वहां से तुरंत ही भागे, और भागने में हमें एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रहा। मैं भागते भागते वहां से काफी दूर आ गया। फिर मुझे थोड़ी दूरी पर एक स्कूल दिखा, वो सरकारी स्कूल था। मैंने वहीं पर रात गुजारी। सुबह मैं वापस उसी पेड़ के पास गया। मैंने सोचा शायद पूजन मुझे वहां मिल जाए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। मैंने पास जाकर देखा तो पेड़ पर पूजन की लाश टंगी थी और उसका सर जमीन पर पड़ा था। यह देखकर मेरी चीख निकल गई और मैंने सारी बात वहां के लोगों को बताई कि कल रात क्या हुआ था। मगर उन लोगों को मुझ पर ही शक हुआ और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मुझ पर केस चला और मुझे 10 साल की जेल हो गई। आज मैं जेल से छूट चुका हूँ, लेकिन वो हादसा आज भी मेरी यादों में है। तो दोस्तों, ये थे मेरे और मेरे दोस्त पूजन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रतन लाल है, मेरा पड़ोसी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस पड़ोसी का नाम रूपेश है। दरअसल ये आदमी अजीब किस्म का था। जब ये जिंदा था तब तो लोगों के लिए मुसीबत था ही, लेकिन मरने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। रूपेश बड़े गुस्सैल किस्म का आदमी था, आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा किया ही करता था। एक दिन मेरे घर के बाहर ही वो एक आदमी को बेरहमी से पीट रहा था। मैंने रूपेश को उसे मारने से रोका और उससे पूछा कि वो उसे क्यों मार रहा था। रूपेश ने कहा, रतनलाल अब तुम ही बताओ मेरी गाड़ी पर ये किस हक से बैठ गया। दरअसल रूपेश ने नई बाइक ली थी और वो उस बाइक को अपने सिवा किसी को छूने नहीं देता था, और वो आदमी उसकी बाइक पर बैठकर या टेक लगाकर अपना फोन चला रहा था। जब उस आदमी को अपनी बाइक को छूते हुए उसने देखा तो अपना आपा खो बैठा। उसने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, और रूपेश दोबारा उसे पीटने लगा। मैं उसे रोक रहा था पर वो रुक ही नहीं रहा था। गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। रूपेश मेरे धक्के से गिर गया और उसके सर पर काफी चोट आ गई। वो बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि वो सनकी आदमी किसी से मारपीट कर रहा था। उसमें जिसे वो मार रहा था उसने उसके सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसके सर पर काफी चोट आई और खून बह गया, और वहीं उसकी मौत हो गई। मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटक रही है। रूपेश के मरने के 1 हफ्ते बाद उसे मारने वाले की भी जेल में अचानक मौत हो गई, और अभी 5 महीने पहले की बात है। मैं अपनी छत पर रात के 7-8 बजे के करीब टहल रहा था, तभी मुझे पास के एक पेड़ के पास कोई परछाई दिखी जो अजीब तरह से चमक रही थी। वो रूपेश था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तूफान की रफ्तार से छत पर आ गया। अपने सामने मरे हुए रूपेश के प्रेत को देखकर मेरी जान गले में अटक गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, अपने बचाव के लिए चीखना चिल्लाना चाहता था, मगर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रूपेश का प्रेत मुझसे बोला, रतनलाल तुझे मुझे धक्का देने की और मुझसे उलझने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कुछ बोल पाता कि तभी रूपेश के प्रेत ने मुझे छत से धक्का दे दिया। मुझे बहुत चोटें आई, मेरा सर फट गया
और मेरे दोनों पैर टूट गए। मेरे घर वाले मुझे अस्पताल ले गए। इलाज के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब मैं कभी चल फिर नहीं सकता, मैं अब घर पर पड़ा रहता हूँ। मुझे आज भी मेरे आसपास में रुपेश का प्रेत दिखता है और वो डरावनी हंसी में हंसता हुआ गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षत है। मुझे पता है मेरे साथ हुई इन भूतिया घटनाओं पर कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं किसी को विश्वास दिलाना भी नहीं चाहता हूँ। बस मैं अपने साथ हुई कुछ सच्ची भूतिया घटनाएं आपको बताना चाहता हूँ। तो बात ऐसी है कि कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे उसके भाई की शादी में बुलाया था। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसके जिद करने पर मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। दोस्तों, मुझे उसके भाई की शादी में जाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे घर से उसके घर की दूरी करीब 25 किलोमीटर की है और रास्ते में एक जंगल के बीच से होकर निकलना पड़ता है। मैं अपनी बाइक लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे घर से निकला। दोस्तों, मैंने कई लोगों से सुन रखा था कि वो जंगल भूतिया है जिस जंगल से मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। उस जंगल में कई लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। लोगों का कहना है अगर आप उस जंगल से निकलें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली कि अगर आपको कोई पीछे से बुलाता है तो पीछे ना देखें, चुपचाप बस आगे बढ़ते रहें। अगर आप दो लोग हैं और आपका साथी अचानक गायब हो जाता है तो आप चुपचाप बस चलते जाएं, चाहे वो क्यों ना आपको मदद को बुला रहा हो, क्योंकि अगर कोई उस जंगल में गायब हो जाता है तो ये तय है कि वो मारा जा चुका है और उसकी आवाज़ में कोई प्रेत या आत्मा आपको अपने पास बुला रही है। एक सबसे ज़रूरी बात ये है जो हमें उस जंगल में नहीं करनी है, हमें वहाँ किसी भी फल को खाना नहीं है। उस जंगल में अंदर जाते ही आपको भूख लगने लगेगी, चाहे आपने कितना भी खाना क्यों ना खाया हो। दोस्तों, हमें ये रूल्स बचपन से ही सिखाए जाते हैं क्योंकि हमें किसी ना किसी ज़रूरी काम से उस जंगल से जाना ही पड़ता है। दोस्तों, मैं उस जंगल से करीब 4-5 किलोमीटर दूर था, तभी रास्ते में एक आदमी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक रोकी। उस आदमी ने कहा भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने उससे पूछा आपको जाना कहाँ है। उसने कहा जंगल से 3 किलोमीटर आगे मेरा घर है, आप मुझे वहीं उतार देना। मैंने सोचा इस जंगल में अकेले जाने से अच्छा हम दो लोग हो जाएं। मैंने उसे बिठा लिया। थोड़ी देर में हम जंगल के करीब पहुंचे। वो आदमी बोला तुम्हें इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है ना, मेरा मतलब सारे रूल अच्छे से पता है। मैंने उससे कहा हाँ मुझे पता है। जंगल के अंदर हल्का उजाला था, दोनों तरफ घने वृक्ष लगे थे। अभी मैं जंगल में थोड़ा आगे चला ही था कि तभी दोनों तरफ के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। वो इतना हिल रहे थे कि उनकी डाले रोड पे छूने से बस थोड़ा ही ऊपर थी। रूल के मुताबिक हमें चुपचाप चलते जाना है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिए बिना। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अच्छा कोई मुझे बुला रहा था। मैंने बाइक और तेज कर दी। भूतिया घटनाएं शुरू हो चुकी थी और तभी एक विकराल बड़ा सा प्रेत जंगल की एक ओर से भागता हुआ आया और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी।
अब वो विकराल प्रेत मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी की स्पीड में मेरी बाईं ओर दौड़ रहा था। अब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगा। मेरे पीछे बैठा वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगा और तेज भगा गाड़ी। जब वो चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उस प्रेत ने भागते हुए जोर से छलांग मारी और मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। और तभी मेरे पीछे बैठा आदमी बहुत जोर से चीखा। उस प्रेत ने उसका सर उसके धड़ से उखाड़ दिया और सर लिए जंगल की दाई ओर कूद गया। जब मेरी नज़र गाड़ी के शीशे पर पड़ी तो मेरे पीछे उस आदमी का धड़ बैठा था, उसका सर गायब था। ये नज़ारा देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं चाह कर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। गाड़ी से गिरने की वजह से मुझे काफ़ी चोटें आई। मेरे पीछे बैठे आदमी का धड़ बीच रोड पर पड़ा था, उसका सर अलग होने की वजह से और इस झटके के साथ गाड़ी से गिरने की वजह से उसके पेट का मांस निकलकर बिखरता चला आया था। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मैं जैसे तैसे उठा और अपनी गाड़ी उठाई और भगवान अल्लाह सबकी दया से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं जैसे तैसे उस जंगल से वापस घर आया। उस घटना के बाद मैं फिर कभी उस रास्ते से नहीं गया। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन कहानियों का मज़ा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।